सूचना पूर्व आप देख रहे हैं इंडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में चोरी के शक में युवक की मॉब लिंचिंग और बिहार में चमकी बुखार से बच्चों की मौत पर पहली बार बयान दिया है। मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में कहा, झारखंड में युवक की हत्या का सबको दुख है। सदन में कहा गया कि झारखंड मॉब लिंचिंग और मॉब वायलेंस का अड्डा बन गया है, ये सही नहीं है। पूरे झारखंड को बदनाम करने का हक किसी को नहीं है। वहीं चमकी बुखार को लेकर मोदी ने यह कहा कि यह 7 दशकों में सरकार की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक है। दुख की बात है कि आधुनिक युग में भी ऐसा हो रहा है, हमें इस पर शर्मिंदगी है। मैं बिहार सरकार से लगातार संपर्क में हूँ। मोदी ने बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में जवाब दिया। इस दौरान मोदी ने ईवीएम, चुनाव प्रक्रिया, न्यू इंडिया, आधार, एक देश एक चुनाव, मीडिया की भूमिका जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखी। हिंसा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मोदी। मोदी ने कहा कि झारखंड मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो बुरा हुआ है, जिन्होंने बुरा किया है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। वहाँ भी सज्जनों का भरमार है। अपराध होने पर उचित रास्ता कानून और न्याय से है। देश और लोकतंत्र हार गया, ये कहना गलत है। मोदी ने कहा कि दुख होता है जब कुछ नेता कहते हैं कि भाजपा और उसके सहयोगी जीत गए लेकिन देश हार गया और लोकतंत्र हार गया। ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। मतदाताओं के फैसले पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं? देश के किसान को बिकाऊ कहा गया। प्रधानमंत्री ने कहा, यहाँ तक कह दिया गया कि देश का किसान बिकाऊ है। 2000 की योजना के कारण किसानों के वोट खरीद लिए गए। हमारे देश का किसान बिकाऊ नहीं है। हमारा किसान वह है जो हमारे लिए अन्न पैदा करता है। वह मेहनत के वक्त नहीं सोचता कि यह गरीब के पेट में जाएगा या अमीर के। 15 करोड़ किसानों को इस तरह की भाषा का प्रयोग कर अपमानित किया गया। मोदी ने न्यू इंडिया का विरोध पे काफी चिंता जताई है। प्रधानमंत्री ने कहा, हैरान हूँ कि न्यू इंडिया का विरोध हो रहा है। हमें आगे बढ़ना है, दुनिया के भीतर हमें आगे बढ़ना है। 125 करोड़ का देश है, हम सपने क्यों न देखें। बाकी की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडी न्यूज़।